हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होप किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं कच्चे नारियल से रुई जैसे नर्म, एकदम मुंह में घुल जाने वाले हलवाई स्टाइल नारियल के लड्डू, जिसे हम मिनटों में बनाकर तैयार करेंगे। इस नारियल के लड्डू को बनाकर आप 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं और किसी भी व्रत या त्योहार में इसे आप प्रसाद के तौर पर खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए फ्रेश नारियल। मैंने 2 बड़े आकार के नारियल लिए हैं, जिसका मैंने ऊपर से छिलका उतार लिया है। नारियल का छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाता है। आप पीलर से इसे उतार सकते हैं या आप पतला पतला चाकू से भी उतार सकते हैं। इसे उतारने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहे तो इसे ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस में काटने के बाद इसे हम मिक्सी जार में डालेंगे और इसे हम बारीक पीस लेंगे। नारियल को जितना हम बारीक पीसेंगे, लड्डू हमारा उतना ही अच्छा बनेगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। मैंने नारियल को बहुत ही अच्छे तरीके से पीस लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसे गर्म करके उसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। नारियल के लड्डू को बनाने में ज्यादा घी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि नारियल के अंदर पहले से ही नारियल का ऑयल होता है, जो बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसमें पिसा हुआ नारियल हम डालेंगे और इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए हम इसका पानी ड्राई कर लेंगे। हमें नारियल को ज्यादा भी ओवर कुक नहीं करना है। अगर ओवर कुक हो जाएगा तो नारियल का कलर चेंज हो जाएगा। नारियल का लड्डू व्हाइट ज्यादा अच्छा लगता है। 5 से 7 मिनट नारियल को भुनने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे फुल क्रीम दूध। मैंने मलाई समेत 2 कप दूध लिया है। मलाई समेत दूध डालने से नारियल के लड्डू की बाइंडिंग अच्छी होती है और नारियल के लड्डू अंदर से मॉइस्ट होते हैं, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। दूध को भी मैंने 5 से 7 मिनट के लिए कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डालेंगे। मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी डाला है। जब हम चीनी डालेंगे तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी रिलीज होगा, नारियल थोड़ा सा पतला हो जाएगा। हम इसे फिर से कंटिन्यू चलाते रहेंगे और इसका पानी हम ड्राई कर लेंगे। साथ ही थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हम इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे। इस लड्डू को आप डेसिकेटेड नारियल से भी बना सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट कच्चे नारियल के लड्डू का आता है, उतना टेस्ट डेसिकेटेड नारियल का नहीं आता है, क्योंकि इस समय जो नारियल मार्केट में मिल रहे हैं बिल्कुल फ्रेश हैं और मीठे हैं, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। कच्चे नारियल का लड्डू जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर मिल्क पाउडर या कंडेंस्ड मिल्क या खोया डालने की जरूरत नहीं होती है। ये ऐसे ही बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से नारियल का पानी ड्राई कर लिया है। अब उसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी डालना ऑप्शनल है। हम गैस को बंद कर देंगे और घी को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। घी डालने से लड्डू का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और लड्डू आसानी से बाइंड हो जाता है। मिक्सचर को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब हाथ से हम उसको टच कर पाए, सहन कर पाए, तब हम इसका लड्डू बना लेंगे। लड्डू बनाते समय ज़्यादा अगर गर्म होगा तो हाथ जल जाएगा, और ठंडा अगर हो गया तो ये लड्डू अच्छे से बाइंड नहीं होगा। इसीलिए हल्का सा इसका गर्म होना बहुत ज़रूरी है। लड्डू को हल्के हाथों से अच्छी सी शेप देने के बाद हम डेसिकेटेड नारियल के अंदर इसे हम ऊपर से कोट करेंगे। डेसिकेटेड नारियल से कोट करने के बाद नारियल का लड्डू देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। एक एक करके हम इसी तरीके से सभी लड्डू को बना लेंगे। आप चाहे तो नारियल के इस लड्डू के अंदर कुछ ड्राई फ्रूट भी काट कर डाल सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लड्डू बनाते हैं तो मिक्सचर ठंडा हो जाता है और लड्डू अच्छे से बंध नहीं पाते हैं, तो इस कंडीशन में थोड़ा सा हम जब मिक्सचर को गर्म कर देंगे हल्का सा ही, तो लड्डू बहुत ही अच्छे तरीके से बनेंगे। हमारे सभी नारियल के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे अब हम अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट के संग डेकोरेट करेंगे।
आपको मेरे इस फ्रेश नारियल के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी है मेरी होप किचन। सिंपल और इजी रेसिपीज के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल होप किचन से जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।